हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बस के साथ। पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में कुबरा खान का कैरेक्टर इंडियन मुस्लिम लड़की का है, जो कि दुबई में इंडियन एम्बेसडर की बेटी हैं। इंडियन एम्बेसडर के कैरेक्टर में हकीकत का रंग भरने के लिए फेमस इंडियन एक्टर कंवलजीत सिंह को कास्ट किया गया। एक वक्त था कि जब सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर्स ही इंडियन मूवीज में नजर आते थे, लेकिन अब इंडियन फिल्म स्टार्स भी पाकिस्तानी मूवीज में नजर आ रहे हैं। ओम पुरी के बाद अब कंवलजीत सिंह का पाकिस्तानी फिल्म का हिस्सा बनना मामूली बात नहीं है। कंवलजीत सिंह खुद भी जवानी फिर नहीं आनी 2 में कास्ट होने के बाद काफी खुश दिखाई दिए, और हाल ही में उन्होंने मुंबई मिरर से बात करते हुए बताया कि जवानी फिर नहीं आनी 2 का दुबई में 20 दिन का स्पेल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और इस फिल्म की पूरी टीम ने उनको बहुत इम्प्रेस किया। ईपीके ने एक्सक्लूसिवली कॉन्टेक्ट किया है मुंबई में फिल्म स्टार कंवलजीत सिंह से। कंवलजीत जी, आप हमें ये बताइए कि आप जवानी फिर नहीं आनी 2 का हिस्सा कैसे बने? मुझे वराग हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं, सीरियल बनाते हैं, फिल्में बनाई हैं उन्होंने, आनंद राय के भाई हैं, तो उनसे मेरा ख्याल बात हुई। पासे साहब ने जिक्र किया था उनसे, रवि राय से, या फिर नदीम साहब ने जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि उन्हें एक ऐसा ये था जो थोड़ा नवाब भी लगे और एम्बेसडर भी लगे, उन्होंने मेरा नाम ले लिया। उन्होंने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, लोग अच्छे लगे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई कैन डू दिस इजीली। ये भी बताएं कि आपका पाकिस्तानी फिल्म में एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, द पीपल आई हैड एंटीसिपेटेड वर वंडरफुल, एंड उनके साथ काम करने में मजा आया, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, सूरत के भी, सीरत के भी, सब बहुत अच्छे लोग थे। फर्क तो है ही नहीं, मतलब जबान वो बोलते हैं, खाने वो खाते हैं, लगते एक दूसरे की तरह, तो कल्चरल एक्सचेंज तो होना ही चाहिए। मैं तो इकबाल के मिसरे का कायल हूँ, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कंवलजीत जी, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल्चरल एक्सचेंजेस परमानेंट बेसिस पर होने चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।